सूर्य कुमार यादव पर बवाल, क्रिकेट बोर्ड के फैसले पर उठे सवाल। जी हाँ दोस्तों, सूर्य कुमार यादव पर बवाल, क्रिकेट बोर्ड के फैसले पर उठे सवाल। तो दोस्तों क्या है इस खबर की पूरी जानकारी, उससे पहले अगर आप भी है सूर्य कुमार यादव के बड़े फैन तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं क्या है इस खबर की पूरी जानकारी। 13 दिसंबर से शुरू होने वाली रणजी ट्रॉफी में सूर्य कुमार यादव भी खेलने वाले हैं। सूर्य कुमार यादव मुंबई में हैदराबाद के खिलाफ 20 दिसंबर को होने वाले मुंबई के दूसरे रणजी मैच में खेलने के लिए उपलब्ध रहेंगे। सूर्य कुमार यादव ने भारत की ओर से अब तक 42 T20 मैच में 44 की औसत से 1408 रन बनाए हैं। 32 साल के सूर्य कुमार यादव को अब तक लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में खेलने का मौका मिला है, लेकिन अब तक अपना टेस्ट डेब्यू नहीं किया है और अब वे इसकी तैयारी में भी जुट गए हैं। उन्होंने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को जानकारी दी है कि वे रणजी ट्रॉफी में दूसरे मुकाबले के चयन के लिए उपलब्ध है। तो दोस्तों क्या सूर्य कुमार यादव को टेस्ट क्रिकेट में मौका मिलना चाहिए, आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह की क्रिकेट की ताज़ा अपडेट के लिए आप हमारे साथ इस क्रिकेटी चैनल में जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताज़ा क्रिकेट की अपडेट के लिए।